दोस्तों आज की ये वीडियो एक सब्सक्राइबर के क्वेश्चन पर बेस है। उसके द्वारा ये पूछा गया है कि क्या कोई कैंडिडेट बायोलॉजी में 3 साल के ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स से पास करने के बाद एपकेट में लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर ये है कि जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी में 3 साल की ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स से पास किए हैं तो। इसके अलावा और भी कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी होती है तभी आप इस ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, एज। कैंडिडेट का एज 20 से 26 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। नंबर 2, मैरिटल स्टेटस। कैंडिडेट अविवाहित होनी चाहिए। नंबर 3, नेशनलिटी। कैंडिडेट का नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। नंबर 4, जेंडर। वैसे तो एपकेट में मैन और वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर मैं स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक ब्रांच की बात करूँ तो परमानेंट कमीशन के लिए केवल मैन ही अप्लाई कर सकते हैं और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए मैन और वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास इस तरह के कोई डाउट हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके डाउट कमेंट की मदद से या फिर वीडियो की मदद से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।